आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा। बताते चले कि उन्नाव कांड की पीड़िता को जिस तरह से तथाकथित एक्सीडेंट के जरिए मारने की कोशिश की गई है, साथ ही इस पूरी घटना में दो लोगों की मौत भी हो चुकी है, प्रदेश सरकार द्वारा उचित संज्ञान न लिए जाने को लेकर आम जनमानस में व्यापक आक्रोश है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में इस घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और उन्नाव कांड की पीड़िता को त्वरित न्याय की व्यवस्था की जाए व 15 दिन के अंदर इस मुकदमे का निस्तारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्नाव कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाले नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। उत्तर प्रदेश में बच्चियों महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। अन्य मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा। जी, किस मामले में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? हम ज्ञापन वो उन्नाव की जो रेप पीड़िता हैं और विधायक कुलदीप सेंगर ने जो उनके खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, अभी एक्सटेंड करके उन्हें मारने की कोशिश की गई, उनके वकील और वो आज भी वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनके केस की जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि और आगे कोई षड्यंत्र ना रच सकें। अगर उन्हें 15 दिन के अंदर केस सुनवाई कर लिया है तो आगे जो षड्यंत्र होगा वो नहीं कर पाएंगे। और बेटियों के जो उत्तर प्रदेश में ये आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, इसे कोई ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो ये बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने की। अगर इन्हें 15 दिन में सांसी जाए तो सजा दे दी जाएगी, तो आगे को कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँसी दो, 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 हा